नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चे सिर्फ शिक्षा के लिए ही संघर्ष नहीं कर रहे हैं, बल्कि पढ़ने के लिए अपनी जान बचाने का खतरा भी उनके सर पर रहता है। जी हां, सतना जिले के मैहर इलाके में एक सरकारी स्कूल ऐसा है जो हर वक्त भूकंप के झटकों की तरह हिलता रहता है। मैहर क्षेत्र के भटूरा गांव में मौजूद सरकारी स्कूल की इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए। स्कूल पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो चुका है। स्कूल में मौजूद ये दरारें और स्कूल का ये जीर्ण शीर्ण क्षेत्र किसी भी दिन बच्चों के लिए खतरा बन सकता है। दरअसल ये स्कूल यहाँ की एक खदान के बगल में है। 100 मीटर से भी कम दूरी पर ये खदान है और खदान पर अक्सर डायनामाइट्स के ब्लास्ट किए जाते हैं। इन ब्लास्ट के कारण स्कूल की ये बिल्डिंग भूकंप की जैसी हिलती है, जिसके कारण पूरी बिल्डिंग कमजोर हो चुकी है। बिल्डिंग कमजोर हो चुकी है ये एक अलग मसला है, लेकिन इसी बिल्डिंग में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और इन बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है। स्कूल प्रबंधन कई दफा अपने स्तर पर इस मामले की शिकायत कर चुका है, लेकिन इन शिकायतों से ना तो खदान संचालक को कोई फर्क पड़ा और न ही शिक्षा विभाग अपने बच्चों की चिंता कर रहा है। जी, यानी लिखित रूप में शिकायत करी हूँ, लिखित रूप में नहीं की हूँ, मौखिक रूप में की हूँ। अभी जर्जर ये बिल्डिंगों में दरारें क्यों हैं? जर्जर का कारण ये है कि खदान की ब्लास्टिंग की वजह से। सर, यहाँ पे ये प्रॉब्लम खदानों द्वारा ब्लास्टिंग वगैरह होती है, तो बिल्डिंग शासकीय हो चाहे प्राइवेट हो, सब जर्जर हालत की स्थिति में है और बच्चों को कभी भी इसमें नुकसान हानि हो सकती है। तो ब्लास्टिंग कहाँ होती है? सर, खदानों में होती है, आजू बाजू खदानें लगी हैं। विद्यालय के बिल्कुल बगल से? हाँ सर, बाजू से 100 मीटर के दायरे में।